अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं स्पीक्स। और ये जो शख्स आप सामने बैठा हुआ देख रहे हैं, इनका नाम इमरान रिदिना है। और मैंने इनको क्यों इस वीडियो में इनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इससे पहले ये जान लेते कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। आज की वीडियो का टॉपिक गाइस उन लोगों के लिए है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन में बेसिकली जो मेन सॉफ्टवेयर जो आ जाते हैं वो है प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, ऑडियो और इलस्ट्रेटर है, कॉरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है। तो ये सारे जो है वो सॉफ्टवेयर हैं, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड से रिलेटेड हैं। और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड से रिलेटेड हैं और इस पर वीडियो बनाने का मकसद जो है, जो आइडिया है वो मुझे ऐसे आया था कि मुझे एक साल पहले किसी एक चीज़ के लिए मुझे जो लोगो बनाना था और मुझे उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता था और जो ऑनलाइन सोर्सेस थी उससे मुझे लोगों को ऐसा मिल नहीं रहा था जो मैं कहूँ कि हाँ ये ठीक है या वो मेरी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर रहा हूँ। तो मैंने जो है वो इलस्ट्रेटर ग्राफिक डिज़ाइन की तरफ जाने का सोचा और मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के जो है वो प्रोग्राम्स जो हैं वो चेक किए थे, लेकिन मुझे उनमें से कोई खातिर ख़्वाह इतना मतलब इतना फेमिलर नहीं लगा कि मैं उसको जो है वो अटैम्प्ट करूं। तो मैंने उन चीज़ों को ड्रॉप किया। मैंने इंटरनेट पे ऑनलाइन जब सर्च किया तो उसी सर्चिंग के दौरान मुझे यूट्यूब पे ये चैनल मिला था, GFX Mentor। और वही चैनल आपके सामने खुला हुआ है और ये चैनल बेसिकली सोर्स बन सकता है उन लोगों के लिए जो कि घर बैठ के ही अपने बस छोटे मोटे काम को लेकर कुछ सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग की तरफ जाना चाहते हैं या फोटो एडिटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो जो है वो इससे कर सकते हैं। अब पहले तो ये देख लेते हैं कि प्रीमियर प्रो वगैरह जो है वो सीखने की क्या ज़रूरत है। देखिए, अगर आपने कुछ छोटा मोटा काम करना है तो प्रीमियर प्रो से बेहतर अगर ईजी अपने एज के लिए आप बहुत सारे ऐसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, फिल्मोरा है, काइन मास्टर है, जो कि बहुत कम टाइम में और बहुत आसान तरीके से आप उसमें वीडियो एडिट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है या आपने कोई और बड़े प्रोजेक्ट में काम करना है तो आपको प्रीमियर प्रो आना चाहिए। और वैसे ये इमरान भाई ने ये बात कही थी अपनी एक वीडियो में, उन्होंने उसी को कोट करता हूँ कि आप जो है वो एक इंडस्ट्रियल मतलब ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर पूरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है आप वो सीख लें और उसी में चीते हो जाएं, तो फिर आप सारे काम अपने सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं। और ये भी बात इन्होंने ही कही थी कि आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो है वो सब आता हो और आप किसी भी एक चीज़ में मास्टर ना हो, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं हो कि आप सब कुछ आपने सीखा हुआ है, आपने कॉरल ड्रॉ भी सीखा हुआ है, आपने इलस्ट्रेटर भी सीखा हुआ है, आपने वीडियो एडिटिंग भी सीखी हुई है, फोटोशॉप भी आपको आता है, बट अगर कोई आपको कहे कि भाई आप इनमें से किस चीज़ में मास्टर हैं तो फिर आप जो ना मतलब बस आपको सांप सूख जाए और आप बस चुप हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ठीक है हर चीज़ अपनी अपनी जगह सीखे, बट कोई एक चीज़ ऐसी हो जिसमें आप मास्टर हो, जिसकी स्किल्स आपके पास इतनी बेहतरीन हो कि आपसे बेहतर वो काम कोई कर ही नहीं सकता, तो ये चीज़ होनी चाहिए। और GFX Mentor बेसिकली एक सोर्स है, मैंने इलस्ट्रेटर यहाँ से सीखा था ऑनलाइन ट्यूटोरियल से। और मैं ये क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, रेकमेंड करने की वजह सिर्फ इतनी है कि और चैनल्स के मुकाबले में इन्होंने बहुत ही बेसिक वे में जो है वो हर सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रीमियर प्रो सीख आप अगर आप आफ्टर इफेक्ट सीख रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं ये वीडियोज़ में कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले आपको प्रीमियर प्रो आना चाहिए, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। इन्होंने बहुत ही बेसिक रखा हुआ है। बेसिकली ये अपनी एक वीडियो को एक क्लास का नाम देता है और हर क्लास में एक अलग स्पेसिफिक टूल डिस्कस किया जाता है, तो ये इसी बिल्कुल प्लान वे में चल रहे होते हैं। ये चैनल देख लेते हैं, चैनल में देखें बाकी जो है वो सारे आफ्टर इफेक्ट्स के जो हैं ट्यूटोरियल्स बने हुए, इलस्ट्रेटर के बने हुए, फोटोशॉप के बने हुए, सही है, ये देखें सारे ऑडियो के और प्रीमियर प्रो के, ये सबके जो ट्यूटोरियल्स जो हैं वो बने हुए। और मेरा ख्याल है आप अगर GFX Mentor सर्च करेंगे, वैसे तो मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, और उम्मीद है कि अगर मैं इस चैनल को फीचर करता हूं तो चैनल के ऑनर को बुरा नहीं लगेगा। जस्ट के ठीक है, हर किसी को पता लगनी चाहिए सोर्स, बहुत से लोग जो हैं वो बाहर जाके
बहुत सारी वजह से, अपने काम की वजह से या अपने कुछ सिचुएशंस की वजह से जो है वो बाहर कोर्सेज वगैरह नहीं ले सकते। तो मेरे ख्याल ये एक ऐसा चैनल है जहाँ से आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। और ये जैसा कि उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने अपनी वीडियो में भी बार बार ये बात बताई है कि इन्हें जो है वो 17 साल का एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जो है वो मतलब जो है अपना लेक्चर वगैरह भी शायद दे चुके हैं। सो एक जो फॉल्ट मैं समझता हूँ GFX मोटर आपको शायद, चलिए छोड़ दो उस बात को, बहरहाल आपके पास ये एक अच्छी सोर्स है अगर आप घर बैठे कुछ सीखना चाहते हैं। और ना सिर्फ ये कि हफ्ते में, मेरा ख्याल है हफ्ते में एक हफ्ते में 2 वीडियोस करते हैं 3 3 दिन के वक्फे से, तो उसको आपको जो उसके जो 3 दिन का वक्फा है वो इसी वजह से है कि आपको जो है वो टाइम मिल जाए प्रैक्टिस करने का। जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आप जो है वो अपनी स्किल्स को बेहतर करते रहेंगे। और ये दूसरी बात ये कि अगर आप कहीं और से न किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू अगर कोई कोर्स उठाते हैं और आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हैं, तो बेसिकली बहुत कम इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो बहुत डीप में आपको ये चीज़ें सिखाते हैं, वरना ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जो है वो आपको बस एक ओवरव्यू दे देते हैं सॉफ्टवेयर का, मतलब बहुत सारे सिखाने के चक्कर में और सबका बस एक ऊपर ऊपर से ओवरव्यू देते हैं, और आपको फिर वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप उसको जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे खुद तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आती जाएगी। बट ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा नो हाउ हो टूल्स की, उन कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल है फिर आप क्रिएटिविटी फिर अलग ही तरीके से बाहर निकल के आती है। और ना सिर्फ ये कि बल्कि अगर आप देखें तो इन्होंने एक बात का इजहार भी किया था अपनी एक वीडियो में कि इनकी वीडियोस जो हैं लोग बहुत पसंद भी करते हैं। ये बात तो नो डाउट, मतलब कोई डाउट नहीं है इस बात में कि इनकी वीडियोस पसंद की जाती हैं और काफ़ी लोग इससे सीख भी रहे हैं, मैंने सीखा है। लेकिन इन्होंने इस बात का इजहार किया था कि इनकी वीडियोस लोग देखते हैं शुरू में और उनको पता लग जाता है कि हाँ यहाँ से हमें हर चीज़ समझ आ जाएगी, हर चीज़ हमें मिल जाएगी, और फिर वो उस वीडियो को डाउनलोड करके देखते हैं। तो ऐसा ना किया करें आप इनकी वीडियोज़ जो है वो यूट्यूब पे रहते हुए ही देखें, क्योंकि इससे जो है वो यूट्यूब से अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं और फिर इनकी वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखते हैं, तो उससे वॉच टाइम में बहुत फ़र्क पड़ता है। व्यूज़ तो चले, व्यूज़ तो वीडियो एक दफ़ा भी खुली तो व्यू आ जाएगा, लेकिन वॉच टाइम से जो फ़र्क पड़ता है ना चैनल पे, वो मतलब बंदे को डिमोटिवेट कर देता है। और दूसरी बात ये है कि सब्सक्राइबर्स, देखिए सब्सक्राइबर्स जो हैं वैसे तो इनके ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है हाँ 3 लाख हैं, 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, बट सब्सक्राइबर्स से चैनल के ओनर को जो है सिर्फ मोटिवेशन मिलती है, उसको जो है वो असल काम करने का जो काम करने की जो मोटिवेशन होती है ना कि हाँ भाई मुझे नए से नया मतलब मदद करनी है, लोग अगर मुझे मेरी वीडियोस को पसंद करने हैं तो उनको और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट दिया जाए, तो इस ये चीज़ जो है ना ये वॉच टाइम से आती है। तो मेरी आपसे एक ये भी गुजारिश है कि ना सिर्फ इस चैनल पे बल्कि हर चैनल पे अगर आप कहीं से कुछ सीख रहे हैं तो उसके जो है वो ट्यूटोरियल जो है वो इसी पे वॉच किया करें। अगर आप ऐसा ना करें तो वॉच टाइम में बड़ा फ़र्क पड़ता है, जिसका रीज़न मैं अभी बता चुका हूँ कुछ पहले। और ना सिर्फ ये, मैं इस चैनल का लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे या तो फेसबुक पेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।